हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पास्कल्स लॉ सीख लिया। आज हम उसके एप्लीकेशंस को देखने जा रहे हैं कि पास्कल्स लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई होता है रियल लाइफ में। तो उसके दो एप्लीकेशंस आपकी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वही आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। तो दोनों के दोनों एप्लीकेशंस हमको एंट्रेंस के लिए भी पढ़ने हैं, तो मैं उसमें दोनों एप्लीकेशंस आपको कराऊंगा, जिसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा जो है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स। समझ आ गया? हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला एप्लीकेशन पूरे यूट्यूब पे इतना क्लियरली आपको किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा जितना आज इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आपको मैं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है। समझ आ गया? और आपका जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, एक एनिमेटेड वीडियो का। पहले वो जाकर के देखें, उसके बाद मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम लेकर के उसको समझाने की कोशिश करूंगा कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है। समझ आया? क्लियर है? तो दो चीजें बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है ना? तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का लेक्चर क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ याद है? नहीं आते तो जाकर के लास्ट लेक्चर देखो, पहले उसको क्लियर करो कि पास्कल्स लॉ क्या है। पास्कल्स लॉ क्या कहता था, याद है ना आपको? एक कंटेनर में आपने क्या कर दिया, कोई फ्लूइड लिया, फ्लूइड रेस्ट पर है, किसी एक पॉइंट पे आपने प्रेशर को बढ़ाया तो हर पॉइंट पे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा। यहां पर आपने मान लो 5 पास्कल का प्रेशर बढ़ाया तो हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 5 5 5 पास्कल का क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। 5 पास्कल टूट टूट के नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 5 पास्कल हर पार्टिकल पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का। समझ आ गया? क्लियर है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो एप्लीकेशन है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वर्क करता है या होता क्या है, इसको समझते हैं। जैसे अगर आप क्या करेंगे, गैराज वगैरह में जाएंगे तो वहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां, कार्स, ट्रक्स को क्या करते हैं, उन लोग उठा लेते हैं, प्लेटफॉर्म पे रख करके क्या करते हैं, उठा लेते हैं। तो कैसे वो कार्स, वो ट्रक्स जो होती हैं इतनी हैवी होने के बाद कैसे उसको लिफ्ट किया जाता है, आइए आपको वो समझाता हूं मैं आज। तो इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरीके से एक कंटेनर है। ठीक है? ऐसे ट्यूब है मान लीजिए। ठीक है? ऐसे ही ट्यूब होता है उसमें भी। ठीक है? जिसमें एक का जो यहां पर डायमीटर है वो बहुत ज्यादा है और एक का कम है, यानी एक मोटा ट्यूब है और एक पतला ट्यूब है। समझ आ गया? क्लियर है? अब क्या, यहां पर मैंने लगा दिया कोई पिस्टन। ठीक है? यहां पर कोई लगा दिया मैंने पिस्टन। इस पिस्टन का एरिया मैंने मान लिया A1, इस पे मैंने मास रख दिया स्मॉल m। समझ आ रहा है? क्लियर है? इसी के बिल्कुल इसी लेवल पे, बिल्कुल सेम लेवल पे मैं क्या करता हूं, एक और पिस्टन यहां लगा देता हूं और देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका एरिया जो है वो क्या है, अलग है, उसको A2 मान लेते हैं और यहां पर एक बड़ा मास रख देते हैं कैपिटल m का। समझ आ गया? और यहां पर बेसिकली बच्चों क्या भरा हुआ है, यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है। समझ आया? क्लियर है? तो यहां पर क्या भरा हुआ है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है? क्लियर है? तो ये अपने को समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है ना? अब क्लियर हो जाता है। अब क्या, ये जो है सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये दोनों अभी कहीं पर भी मूव नहीं कर रहे, रुके हुए। समझ आ गया? क्लियर है? अब जो है यहां पर मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए कि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, नहीं भी आप बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको इक्वेशन के फॉर्म में कराऊंगा तो ज्यादा भेजे में जाएगा, है ना? तो यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा P0। समझ आ गया? यहां पर भी लग रहा होगा P0। दोनों एटमॉस्फेयर को क्या है, ओपन है, तो दोनों पे क्या लग रहा होगा, P0, है ना? तो ये यहां पर P0 क्या है, प्रेशर है। फोर्स अगर मैं आपसे कहूंगा तो फोर्स क्या होता है, वही फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो P0 इनटू एरिया क्या है, A1 है, यहां पर एरिया क्या है, A2 है, तो P0 A2। बात समझ में आ गई? क्लियर है? यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर भी एक प्रेशर लग रहा होगा, यहां पर भी एक प्रेशर लग रहा होगा ना, ये फ्लूइड की वजह से प्रेशर। यहां पर P1 बोलते हैं और यहां पर क्या बोलते हैं, P2 बोलते हैं। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो अगर मैं स्मॉल m का FBD बना करके आपको बताऊं तो स्मॉल m का FBD क्या होगा, समझने की कोशिश करिए। ये जो आपका पिस्टन है ना, वो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है ना? तो ये आपका m है, यहां पर क्या लग रहा है, यहां पर लग रहा है P0 A1, यहां पर क्या लग रहा है P1, और एक चीज बच्चों नीचे लग रही है, वो क्या है, MG भी तो लग रहा है ना? तो मुझे बताओ, ये तो कोई मूव नहीं कर रहा, क्योंकि हमने बोला ही वो इक्विलिब्रियम में। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ने मिलकर के इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर लिया। यानी P1 इज इक्वल टू क्या होगा, P0 A1
प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास mg हो जाएगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो P1 क्या आया, P0 A1 प्लस मेरे पास क्या आ गया mg। यहां पर प्रेशर है ना, फोर्स लिखना है, I'm sorry, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, A से भी मल्टीप्लाई करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। समझ आया, क्लियर है? A से मल्टीप्लाई, यहां पर प्रेशर है ना, ये फोर्स लिखना है मुझे, फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, P1 A लिख देता हूं, यहां पर P2 A लिख देता हूं। क्लियर हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे क्या लिखना है, फोर्स लिखना है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया मेरे पास। अब P1 क्या होगा बताओ, A1 से क्या कर दोगे तुम, वहां पर डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, P0 A1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस mg अपॉन A1, ठीक है। A1 A1 कैंसिल हो गया, P1 क्या मिला, P0 प्लस क्या हो जाएगा, mg अपॉन A1 हो जाएगा। ये अपने पास क्या हो गया, P1 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, P1 निकाल लिया, ठीक है। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, इसी तरीके से हम लोग P2 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे P2, देखो ये अपन ने क्या कर दिया, वही फ्रिक्शनलेस पिस्टन, ये कैपिटल M, यहां पर क्या लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, प्रेशर तो P0 है, फोर्स क्या लग रहा है, P0 A2, क्योंकि फोर्स क्या होता है, P into A, तो P0 A2, नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, यहां पर प्रेशर क्या लग रहा होगा, P2 A2 लग रहा होगा। समझ आ गया? तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो P2 बताओ क्या आ जाएगा, P2 हो जाएगा तुम्हारे पास सेम तरीके से P0 प्लस यहां पर m क्या आ जाएगा बताओ, m हो जाएगा कैपिटल, कैपिटल mg डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर है? तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन टू हो गया, क्लियर हो गया, समझ आ गया, ठीक है। तो P1 अपन ने निकाल लिया, ये वाला प्रेशर निकाल लिया और साथ साथ में ये वाला प्रेशर भी निकाल लिया, क्लियर हो गया। अब जो है आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है ना। थोड़ी सी इक्वेशंस मैंने लिखी हुई है ताकि आपके दिमाग में ज्यादा जाए, देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अभी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं, और अब समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है। ये देखो ध्यान से, आपको मैंने बॉडी फोर्स वाले लेक्चर में बताया था कि एक ही अगर आपके पास लिक्विड है और अगर आप बॉडी फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, बॉडी फोर्स क्या है, सिर्फ mg है, ये होगा बॉडी फोर्स, उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। मतलब एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो देखो ध्यान से, P1 और P2, ये जो दो, दोनों के दोनों पिस्टन ही सेम लेवल पे, अगर सेम लेवल पे मतलब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। P1 और P2 इक्वल होगा क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, कंटेनर भी बताया था मैंने कि ये एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। समझ आ गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर हम लोग बोलेंगे P1 is equals to P2, समझ आ गया, ठीक है ना, ऐसे लिखो, बट P1 is equals to P2, रीजन क्या आएगा, सिंस दे आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। समझ आ गया, क्लियर है? अब दोनों को इक्वेट कर दो फटाफट से, एम पी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी अपॉन ए वन, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस कैपिटल एम जी अपॉन क्या हो जाएगा, ए टू। समझ आ गया, क्लियर है? देख करके समझ जाइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये ए वन है ना आपका, ए टू इज ग्रेटर देन क्या है, ए वन है, ध्यान रखना है, ठीक है। पी नॉट, पी नॉट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो मैंने बोला था आप लो या मत लो, आगे जाकर के वो कैंसिल ही हो जाएगा। तो mg अपॉन क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू कैपिटल mg अपॉन क्या हो जाएगा, a2, g और g क्या हो गया, कैंसिल, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू a1 अपॉन a2, ये आपके पास स्मॉल m का वैल्यू आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, यहां पर अपने को बात समझ में आ रही है कुछ, अब क्या, अब मैं आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सर ये निकाल कर दे दिया आपने, इसका मतलब क्या है, अभी समझाता हूं मतलब क्या है, देखो ध्यान से, इसको रब कर देता हूं मैं, आप लोग उसको पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू ए वन बाय ए टू, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन आया है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब जरा देखो ध्यान से, अगर ऐसा मान लो आप लोग, अभी आप ऐसा मान लो कि ए वन जो है वो मान लो 1 cm² है और ए टू जो है 1 m² है, मतलब क्या, ये जो है ना, ये एरिया को आपने क्या माना, 1 cm² माना, और ये एरिया को आपने क्या माना, 1 m² माना। समझ आ गया, 1 m² कितना होगा, 10^4 cm² हो जाएगा। समझ आ गया, एंड आप स्मॉल m को 1 kg मान लो, ठीक है ना, ये वैल्यूज अगर आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखो, स्मॉल m को क्या लिया, 1 kg, ये कैपिटल M इंटू इंटू ये क्या है, 1 cm², ये क्या है, 10^4 cm², cm² कैंसिल, इसको यहां भेज दो, देयरफॉर कैपिटल M क्या आएगा, 10^4 मतलब कितना होता है, 10,000 kg। इसका मतलब समझ में आया तुमको, अरे बेटा इसका मतलब ये हुआ
कि तुम अगर यहां पर एक किलो का मास लोगे ना, ये स्मॉल एम अगर क्या करोगे, एक किलो का मास लोगे ना, तो यहां पर तुम कितना लिफ्ट कर सकते हो, तुम 10,000 किलो लिफ्ट कर सकते हो। समझ आ रहा है कैसे लिफ्ट कर सकते हो? बहुत आसान है। आप ये पॉइंट पे क्या करो, इसको प्रेस करो। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो बताओ क्या होगा, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी कि यहां पर आपने प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड के हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर बढ़ेगा, पास्कल्स लॉ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी आपने क्या कर दिया, एक किलोग्राम का मास लेकर के 10,000 किलोग्राम का क्या कर दिया, मास को लिफ्ट कर दिया। अरे ये ऐसी बात है जैसे आपने क्या कर दिया, आपने चींटी से हाथी उठा लिया। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये इतना कमाल का एप्लीकेशन है किसका, पास्कल्स लॉ का, कि एक पॉइंट पे प्रेशर को चेंज करो, आपके फ्लूइड के हर पॉइंट पे क्या हो गया, प्रेशर उतना ही चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये बड़ा ही दमदार एप्लीकेशन है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये कैसे अप्लाई होता है। बहुत ही छोटे मास से बहुत बड़ा मास हम लोग क्या कर देते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं इसे। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये मैंने जो वैल्यूज ली हैं इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई ये कैसे काम कर रहा है। समझ आ गई बात, क्लियर? चलो भाई, तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत छोटे मास से क्या करते हैं, बहुत बड़ा मास तो लिफ्ट हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये इसका फायदा है। इसका नुकसान भी है बच्चों। इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है, या कौन ये कहेंगे, प्रोज में तो ये आ गया कि छोटे मास से बड़ा मास उठा लेंगे, कौन में ये आ जाएगा कि इसमें टाइम बहुत लग जाएगा। कैसे, वो आपको समझा देता हूं मैं। दोनों अलग अलग डिस्टेंस मूव करेंगे, वो भी मैं आपको अभी क्लियर करा देता हूं। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, चलो भी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, इसके बाद बच्चों ये कैसे टाइम लेता है वो आपको समझाता हूं मैं। मान लो कि ये एक सेंटीमीटर क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। कितना, 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये मान लो कितना नीचे आया, मान लो 1 सेंटीमीटर नीचे आया। मुझे पता करना है इसका कितना x सेंटीमीटर नीचे जाएंगे तो वो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो ये x का वैल्यू क्या है, समझ आ गया? यानी इसको अगर मुझे क्या करना है, 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना है तो उसको कितना सेंटीमीटर नीचे लेके आना पड़ेगा। अब यहां से थोड़ा सा लिक्विड कम होगा, कम मतलब थोड़ा सा नीचे आएगा तो वहां पर थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम 2, यही होगा। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू लेंथ, है ना, या हाइट बोल दो उसको। तो a1x इज इक्वल्स टू क्या होगा, a2 इंटू 1 हो जाएगा। समझ आ गया, a2 इंटू 1 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात, क्लियर है? अब a1 कितना है, a2 कितना है। a1 क्या बोला था मैंने, a1 बोला था 1 लेना। समझ आ गया, ये आपके पास x है, ये कितना है 10^4, और ये क्या है आपका सेंटीमीटर। मतलब क्या, x इज इक्वल टू क्या ही है, 10^4 सेंटीमीटर। 10^4 मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया 10,000 सेंटीमीटर। अरे मतलब इसका ये हुआ कि जब तुम उसको क्या करोगे, 10,000 सेंटीमीटर नीचे लेके जाओगे तो वो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही? तो 10,000 सेंटीमीटर मतलब 100 मीटर हुआ, 100 मीटर। तो 100 मीटर उसको नीचे लेके आने में टाइम तो लगेगा, तो टाइम बहुत लग जाएगा इसके अंदर। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, ये चीज का ध्यान रखना है। समझ आ गया, क्लियर है? तो फायदा क्या है, फायदा ये है कि बहुत छोटे मास से बहुत बड़ा मास उठा लोगे। नुकसान क्या है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, दोनों क्या करेंगे, डिस्टेंस अलग अलग कवर करेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो आई होप मैंने आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बाद हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ना है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स पढ़ने से पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो जाकर के आप पहले वो एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो, बहुत ईजी है, आपको इजीली समझ में आएगा, लेकिन पहले वो एनिमेटेड वीडियो देखो, क्योंकि बोर्ड में मैं कितना भी समझाऊं कहीं ना कहीं वो लैग करेगा। तो आप लोग क्या करें, उसको एक बार एनिमेटेड वीडियो में देखें, फिर मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स को देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स कैसे काम करते हैं, जब क्या होता है, कोई टायर चल रहा है, गाड़ी में कोई टायर चल रहा है, तो वहां पर क्या होता है, हमको क्या करना है, हमको टायर की स्पीड को यानी गाड़ी की स्पीड को क्या करना है, स्लो करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक पे पैर लगाएंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे, पेडल पे, ब्रेक का जो हमारा पेडल होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही पैर दबाते हैं इससे, तो क्या होगा, वो पेडल जो होता है वो यहाँ पर ऐसे ये पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो पिस्टन क्या होगा, पिस्टन अंदर की तरफ जाता है,
पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो यहां पर पूरा देखो फ्लूइड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो जैसे पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा तो फ्लूइड के अंदर क्या है, फ्लूइड यहां पर जो है इस पे प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, पास्कल्स लॉ यही तो कहता है ना कि प्रेशर यहां पर जब बढ़ेगा तो यहां पर हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जैसे आप क्या करते हैं, यहां पर पेडल पे पैर रखते हैं, ब्रेक पे आप जैसे क्या करते हैं पैर रख के इसको प्रेस करते हैं, तो ये क्या होगा, पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा, यहां पर फ्लूइड पे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से हर पॉइंट पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहां पर भी प्रेशर बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां भी बढ़ेगा, यहां प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, ये क्या होगा, ऐसे बाहर के डायरेक्शन में जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ब्रेक शूज जो है वो क्या होंगे, ऐसे बाहर के डायरेक्शन में जाएंगे, और ये जो व्हील रोटेट कर रहा है ये इनर रिम को क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोकने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है, ये ऐसे घूमता जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये क्या होगा आपके, ये जो आपके शू, ये जो बेसिकली क्या है, ये कर्व्ड पार्ट है, ये जाकर के क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ आ गया, और ये क्या करेगा, रोकेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा। तो ऐसे ही क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग भी लगी होती है, वो स्प्रिंग क्या करती है, इनको वापस उनकी पोजीशन पे लेकर के आती है। समझ आ गया, क्लियर है? तो बहुत आसान है। वो क्या करेगा, जैसे आप ब्रेक पे पैर रखते हो तो पिस्टन क्या होता है, अंदर जाता है, उससे फ्लूइड पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने की वजह से ये क्या होंगे, कर्व पार्ट बाहर की तरफ जाएंगे, रोटेटिंग व्हील है उसको क्या करेंगे अपन, ऐसे रोकेंगे। समझ आया, क्लियर है? तो कोई ऐसी व्हील रोटेट कर रहा है, कोई रिंग है मान लो वो रोटेट करिए, आप अंदर की तरफ से क्या करो, ऐसे क्या करो, अपने हाथ लगाओ तो रुकेंगे ना वो, तो बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, ये आपका व्हील रुकता है। समझ आ गया, और हाइड्रोलिक ब्रेक्स इस तरीके से काम करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये दोनों चीजें आपको मैंने समझा दी पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन में जो था। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैरोमीटर मैनोमीटर। तो आज पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करा दूंगा आपका मैं, और जो पैकिंग का पार्ट है केमिस्ट्री का वो हम लोग कल सुबह कर लेंगे। समझ आ गया, पूरा हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करा के फिर हम लोग सरफेस टेंशन में जाएंगे, और न्यूमेरिकल्स को साथ साथ में चलाते रहूंगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? चलिए देख लीजिए इसको।